टुडे वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले आप लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? नो ओके अच्छा, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आने से पहले जो सिंपल लेके चलते हैं कि अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी हो, पोजीशन इन द सेंस आपको अपनी, आप जहां पे हो, अगर आपको किसी को अपनी प्लेस बतानी हो, माय वॉइस इज नॉट क्लियर, किसी को भी क्लियर नहीं आ रही आवाज? ओके इट्स क्लियर, जिसको दिक्कत आ रही है वो प्लीज एक बार रीज्वाइन कर ले, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। आपको, आप कहीं पे खड़े हो, आपको किसी को अपनी पोजीशन बतानी है, तो उसके लिए आप लैंडमार्क बताते हो, ठीक है? तो हम किसी चीज की रेफरेंस से अपनी पोजीशन बताते हैं। यस जानवी, मैं सर के साथ ही हूँ, अब भी मैं क्लासेस ले रही हूँ कुछ टाइम के लिए, उसके बाद सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आपने शायद लास्ट क्लासेस नहीं ली, तो 4-5 क्लासेस मैं ही ले रही हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है मैथ्स में, हम इसको यूज करते हैं किसी भी चीज की पोजिशन बताने को, ठीक है? आप ये चीज बोल सकते हो कि जैसे हम अपनी पोजीशन बताने के लिए किसी चीज की रेफरेंस यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन बताते हैं। आपने लाइंस देखी होंगी, मैथ्स में हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, पैराबोला के बारे में सुना होगा, हाइपरबोला होता है, ऑल दीज ग्राफ्स, जो भी जितने भी ये ग्राफ्स बनते हैं सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही को ही लेके बनते हैं। तो सबके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम आज बिल्कुल बेसिक करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें, 2D and 3D, समझते हो? 2D and 3D, ठीक है? 3D मूवीज भी आती हैं, 3D जो एक्चुअल में चीज दिखती है आपको, 2D जिसको आप प्लेन में एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, दैट्स 2D, टू डायमेंशनल। तो इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारे पास दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ओके लक्ष्य, अगर आपने पढ़ा है तो आप दोबारा देख लीजिए, हो सकता है कुछ नया मिल जाए, अगर आपको कुछ ज्यादा पता हो आप हमें बता सकते हो। हम दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो होता है दैट्स कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप सबने कहीं ना कहीं कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सुना होगा, आपने इवन यूज भी किया होगा उसको, आपको पता भी है, बट नाम से हो सकता है आपको ना पता हो। एंड जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके बारे में आई थिंक आपको नहीं पता होगा। कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई होता है, आप इसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में लेके चलते हो। एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर r, 0 होता है, ठीक है? तो
जो हम डिस्कस करेंगे हम सिर्फ कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, यही अभी तक आपके लेवल का है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होता किसमें है? इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स एन कॉमा वाई। इसका मतलब अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, सपोज ये आपके पास एक पॉइंट है, मैंने बोला कि इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो आप यही बोलोगे कि इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि कहाँ से इसकी डायरेक्ट पोजीशन बतानी है। पेपर के इस एंड से बतानी है, पेपर के इस एंड से बतानी है, यहां से बतानी है, कहां से इसकी पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने के लिए हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, मींस एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, फिर हम इसकी पोजीशन बता पाएंगे। अब कोई बंदा यहाँ पे रुका हुआ है, इज एनी वन पर्सन जो यहाँ पे खड़ा है, और एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ पे है। तो मैंने बोला कि इसकी पोजीशन बताओ, ये अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि मेरे से 10 कदम की दूरी पे है, ये अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि 20 कदम की दूरी पे है। तो दोनों की बात कंट्राडिक्ट करेगी, ऑब्वियस करेगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। तो इसकी रेफरेंस ये अपनी रेफरेंस से बताएगा, ये अपनी रेफरेंस से बताएगा। तो एक्स वाई, अब मैथ्स में भी मैं अगर बोल दूं कि सिंपली इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, कोई यहां से बताएगा कोई यहां से बताएगा, दैट क्रिएट्स अ कंट्राडिक्शन। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो वो चीज क्या है? सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे पास होना क्या क्या चाहिए वो देखो। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकेंड थिंग क्वाड्रेंट। थर्ड थिंग कन्वेंशन ऑफ साइंस। एंड फोर्थ थिंग पॉइंट्स ऑन एक्सिस। ये चारों चीज अगर समझ आ गई कि क्या क्या होती हैं, तो इट मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेस आपका बन गया है, आपको वो बेस समझ आ जाएगा। तो हम इसी चीज को समझते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट की पहले एक्सिस होनी चाहिए। अब कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? एक्स एंड वाई। इट मींस मेरे पास दो एक्सिस होंगी, दिस वन एंड जो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल एक्सिस होती है इट्स वाई एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट्स ओरिजिन। यही ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट बनता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके सॉरी, ओरिजन, जो ओरिजन होता है जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देयर इज अ टेक्निकल इशू। इससे हमारे चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। एक्स एक्सिस ने
जो प्लेन ऑफ पेपर था इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड दैट्स क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट का अलग अलग मतलब होता है। क्या मतलब होता है? इनमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की अलग अलग वैल्यूज होती है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड की जो एक्स एक्सिस होती है दैट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी एंड लेफ्ट टू द ओरिजिन सारी की सारी एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव हो। क्वाड्रेंट्स को मार्क करना जब आप क्वेश्चंस करते हो तब जरूरी नहीं होता। ये अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है और वो चार क्वाड्रेंट कौन से हैं। और ये चलते एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप इसी को बोलते हो, इट्स सेकेंड, इट्स थर्ड, इट्स फोर्थ। ये नहीं है कि आप किसी को भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिख दोगे। ठीक है, क्वाड्रेंट्स यहाँ से पॉजिटिव वाले से स्टार्ट होके एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास चलते हैं। यस, वाई एक्सिस पे भी होता है। वाई एक्सिस पे जो अपर वाई एक्सिस होती है हमारी दैट्स पॉजिटिव एंड जो लोअर में जाती है ओरिजिन से दैट्स नेगेटिव। ठीक है, अब आता है कन्वेंशन ऑफ साइंस। तो कन्वेंशन ऑफ साइंस यही है मेरे पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का मतलब ऑर्डर में ही लिखना है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, देन वाई की वैल्यू लिखी जाएगी। अगर अब मैं साइंस की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? पॉजिटिव। एंड वाई क्या है? पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट लिखा आता है 2,3 सपोज, इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 3 है एंड दोनों के दोनों पॉइंट मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स मेरा नेगेटिव है, वाई मेरा पॉजिटिव है। सो सेकंड क्वाड्रेंट के अगर कोई साइंस पूछे वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, मतलब पहला नेगेटिव देन पॉजिटिव। अब सपोज आपके पास ऐसा कोई पॉइंट लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट नंबर आपका नेगेटिव है एंड सेकेंड नंबर आपका पॉजिटिव है। ये साइन कन्वेंशन सेकेंड क्वाड्रेंट की होती है, इट मींस ये पॉइंट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें मेरे पॉइंट कैसे आएंगे? -2, -3। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास कैसे पॉइंट आते हैं? एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। इसमें मेरे पॉइंट्स कैसे आएंगे? 2, -3। अब इनका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने 2,3 पॉइंट लिखा तो अगर कोई बोले इसको मार्क करो क्वाड्रेंट्स में तो हम कैसे करते हैं? ओरिजन, ओरिजन मींस 0,0, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। ग्राफ में जैसे हम चलते हैं 1, 2, 3, 4, सिमिलरली 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस साइड -1, एंड इस साइड एंड सो ऑन। अब मुझे पॉइंट ड्रॉ करना था 2,3। ठीक है, तो 2,3 का मतलब एक्स एक्सिस पे 2, तो हमें 2 कदम एक्स एक्सिस साइड चलना है, 1, 2, ये आ गया। अब वाई एक्सिस की पोजीशन 3, तो यहां से मुझे वाई एक्सिस की तरफ 3 पॉइंट जाना है, 1, 2, 3। सो ये जहां पे ये पॉइंट होगा दैट्स 2,3। इट मीन्स इसकी एक्स एक्सिस से वैल्यू 2 है एंड वाई की इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, इसको और समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूं, अगर ये चीज समझ आ गई, साइन कन्वेंशन आपको समझ आ गई है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो किसी ने रैंडम आंसर्स नहीं करने हैं, मैं 7-8 पॉइंट्स लिखूंगी, आपको वो एक बार अपनी कॉपी पे लिखने हैं। जिस क्वेश्चन का मैं पूछूंगी उसी का आंसर लिखना है।
एक मिनट है, एक मिनट में सारे के सारे आंसर्स लिख लो, देन वी विल डिस्कस। Okay, let's start. जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सेकंड में क्या आएगा। देखो जिसका पूछ रही हूँ प्लीज वही बताओ, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना। मुझे समझ आ रहा है कि आप किस क्वाड्रेंट पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो सेकंड दोनों नेगेटिव है तो क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है, दोनों नेगेटिव है तो ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव नेगेटिव एंड इट्स पॉजिटिव नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव हैं, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड वन वेरी गुड, दोनों पॉजिटिव हैं, सो इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिफ्थ अभी मैं छोड़ रही हूं, सिक्स्थ वन, सिक्स्थ में एक फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मेरा कहाँ पे आता है, सेकंड वाले में। नेगेटिव नेगेटिव अगेन, सो इट्स थर्ड क्वाड्रेंट। एट्थ वन दोनों पॉजिटिव हो अगर, फर्स्ट अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव,
देन इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट. अब इसका बताओ, अगर जीरो जीरो हो तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? नन. देखो, जीरो जीरो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा. जीरो जीरो इन एक्सिस के इंटरसेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजन. सो ये क्या होगा मेरे पास? ओरिजन होगा. अब एक चीज और समझेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट तो होती ही है, साथ में इनको कई बार ऐसे भी नेम दे दिया जाता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश से डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को वाई से एंड नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से, एंड ओरिजिन को तो हम ओ से करते ही करते हैं. ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या है, तो इट्स एक्स ओ वाई. ठीक है, एक्स ओ वाई. सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट का नाम क्या है? एक्स डैश ओ वाई. थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? एक्स डैश ओ वाई डैश. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? एक्स ओ वाई डैश. अब थोड़ा आगे चलते हैं. होप्सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा. मैं इस को दोबारा ड्रॉ आउट कर रही हूं. ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है अभी के लिए. हो सकता है कि 8th स्टैंडर्ड में इसका इतना ज्यादा एक्सटेंशन आपको ना हो, बट आगे आप यही चीज स्टडी करोगी, तो मैं इसीलिए ज्यादा नहीं करवाती. आपका हल्का हल्का बेस बन जाए, सो आप 2 महीने बाद जब 9th क्लास में जाओ तो आपको इन चीजों में समझने को दिक्कत ना आए, इसीलिए हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सिलेबस तो ऑलरेडी सर कंप्लीट करवा ही चुके हैं. अब आते हैं कि हमने ये चीज डिस्कस की कि अगर 5, 6 मेरे पास एक पॉइंट है और आपको बोला है कि इसको क्वाड्रेंट में डिनोट करो, तो हम कैसे करते हैं? 5 डिस्टेंस एक्स की तरफ चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. फिर वाई की तरफ 6 डिस्टेंस चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो यहां पे आपका ये पॉइंट आ जाता है. ठीक है, नेगेटिव में भी ऐसे चलते हैं, वो तो बस साइंस है, जैसे साइन दिए होंगे वैसे ही चलते हैं. अब क्या इनका कोई नाम होता है? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. 5 हेयर इज एक्स कोऑर्डिनेट, 6 is here y coordinate. तो इनको हम बोलते क्या हैं? देवानंद, ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं? हम वहीं तक चलेंगे, बट फिलहाल के लिए पहले इनकी कोऑर्डिनेट्स को समझ लो कि इनकी नेमिंग क्या है, उसके बाद ग्राफ पे डिनोट करना इनको कोई मुश्किल नहीं है. हम प्रॉपर स्केलिंग के साथ करेंगे. ये जरूरी नहीं होता कि आप हर बार 0 से 1, 2, 3, 4, 5 1-1 के स्केल पे ही आगे जाओगे. आप 2 का स्केल लेके भी चल सकते हो. 2 का स्केल मींस 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे भी चल सकते हो. आप 5, 5 के गैप के साथ भी चल सकते हो. तो वो कब कैसे चलते हैं, कैसे इन पॉइंट्स को लेके चलते हैं, उसी चीज पे आएंगे.
बट फिलहाल के लिए पहले इनकी प्रॉपर नेमिंग समझो कि इनको बोलते क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो इनको क्या क्या लिखा आपको आ सकता है, अभी वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, इनको पॉइंट ऑन एक्सिस एंड पॉइंट ऑन इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स नहीं बोलते। पॉइंट ऑन एक्सिस क्या होता है वो चीज तक आएंगे, पहले यहाँ यही चीज समझ रहे हैं अभी। कन्वेंशन ऑफ साइंस हो गया, उसके बाद कन्वेंशन ऑफ साइंस एंड पॉइंट ऑन एक्सिस के बीच की चीज समझ रहे हैं, उसके बाद पॉइंट्स ऑन एक्सिस पे भी आएंगे। तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको बोला जाता है एब्सिसा। एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होता है दैट्स ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखा भी मिल सकता है, आपको एब्सिसा लिखा भी मिल सकता है, आपको वाई कोऑर्डिनेट लिखा भी मिल सकता है, आपको ऑर्डिनेट लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को ही हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस समझते हैं कि क्या होते हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट जो अभी तक रुका हुआ था उस पे आते हैं। अब एक चीज को समझो, ये रीजन आ गया। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लिखा मिल जाए 2,0, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपको एक्स एक्सिस की साइड 2 times जाना है, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ आपको 0 times जाना है, मतलब वाई एक्सिस की साइड आपको नहीं जाना। तो पहले मैं क्या एक्स एक्सिस की साइड जाती हूँ, तो मैं ये 1, 2, अब यहां से वाई एक्सिस जाते थे तो वाई एक्सिस मुझे नहीं जाना, मतलब यहीं पे स्टॉप कर देना है। सो इट्स 2,0, तो ये पॉइंट जो मेरा एक्सिस पे आ गया, ये पॉइंट क्वाड्रेंट्स में नहीं लाई किया, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सिस पे जो पॉइंट आते हैं, अब 2 यहाँ पे क्या है एब्सिसा एंड वाई क्या है आपका 0। ये 1,0 मैंने क्या लिखा, 1,0 का मतलब एक्स एक्सिस पे अगर आपका कोई पॉइंट लाई करता है दैट इज इन द फॉर्म 1,0। 1,0 का मतलब एक्स एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, कि आप एक्स एक्सिस की तरफ कुछ ना कुछ तो चलोगे। ए में भी 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है आपका ए, मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट वाई की वैल्यू आपकी 0 ही रहेगी जब पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है, मींस एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अगर यही पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता, मतलब मैं बोल रही हूँ कि एक पॉइंट है जो जिसमें y की वैल्यू 2 है एंड वो y एक्सिस पे ही लाई करता है, तो y एक्सिस पे लाई करने का मतलब x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू कुछ भी मैंने बोल दी 3, तो ये पॉइंट मेरा y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है दैट्स इन द फॉर्म 0,b। ओके, x एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है y की वैल्यू 0 होती है एंड y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसमें x की वैल्यू 0 होती है, मींस ऑपोजिट में आप इसको याद कर सकते हो। यू कैन राइट एट x एक्सिस, मैं अब एक्सिस की बात कर रही हूँ, उस लाइन की। x एक्सिस मींस आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। एट x एक्सिस y इज 0
एंड एट वाई एक्सिस x इज जीरो, आपका x क्या होगा, जीरो होगा। ओके अभी मैं जितना हम कर चुके उसी पे कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। मींस मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगी, ग्राफ पे मैं कुछ पॉइंट्स को शो अप करूंगी, उस ग्राफ पॉइंट्स को देख के आपको बताना है उनकी वैल्यूज कितनी है और उसमें उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखोगे। ओके तो ये ग्राफ देख लिया, अब मैं जो जो क्वेश्चन लिखूंगी वो आपको बताना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो आपको बताना है पॉइंट सी का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होगा। पहले सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट कहाँ पे है, ये फोर है, फोर ध्यान से देखो इसको। ओके पॉइंट सी इज हियर, ये रहा पॉइंट सी। सबसे पहले इस पॉइंट की एक्स एक्सिस की तरफ वैल्यू कितनी है, -4 एंड दैट्स योर एब्सिसा। y एक्सिस मींस वर्टिकल पोजीशन इसकी कितनी है, -5
ओके सो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज -4, -5 ओके व्हाट्स द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ एफ पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा आई एम जस्ट आस्किंग द ऑर्डिनेट देखो एफ पॉइंट ये रहा एप्सिसा ऑर्डिनेट क्या होते हैं एप्सिसा मींस एक्स एंड ऑर्डिनेट मींस वाई तो मैंने सिर्फ आपसे ऑर्डिनेट पूछा इट मींस एक्स की वैल्यू नहीं पूछी आपसे वाई की वैल्यू पूछी है तो इस एक्सिस पे वाई कितना होता है एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है हमने मैंने अभी यहाँ पे जर्नल करके भी लिखा था एट एक्स एक्सिस वाई इज जीरो तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जब भी ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी जाएगी दैट ऑलवेज बी जीरो एट एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट ऑलवेज बी जीरो जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज जीरो होगी ठीक है अब F पॉइंट पे एप्सिसा की वैल्यू कितनी होगी थ्री गुड तो इसका पॉइंट क्या होगा अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर पूछूं ऑर्डर्ड पेयर कितना होगा F पॉइंट पे ऑर्डर्ड पेयर मींस X, Y 3, 0 नाउ H पॉइंट H इस पे आपकी ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी वन एंड एप्सिसा की कितनी होगी -3 तो अगर ऑर्डर्ड पेयर पूछू ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा -3, 1 अच्छा जो आपका पॉइंट ई है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है पॉइंट ई को मैं यहां पे भी लिख दूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा लाई करेगा पॉइंट ई का पॉइंट देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है देखो पॉइंट ई अच्छा पॉइंट ई का ऑर्डर्ड पेयर बताओ क्या है पॉइंट ई का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा मींस एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी 0, -2 अब 0, -2 जो होता है दैट लाइज ऑन वाई एक्सिस पे कैसा पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पे कैसा पॉइंट लाई करते हैं 0, b तो 0, b हियर इज -2 सो अगर कोई पूछे e का क्वाड्रेंट कौन सा है तो e पॉइंट का कोई क्वाड्रेंट नहीं है e लाइज ऑन द y एक्सिस ठीक है ये पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं एक एक्सिस पे लाई करता है कौन सी एक्सिस पे करता है y एक्सिस पे लाई करता है सिमिलरली एफ पॉइंट का क्वाड्रेंट कौन सा होगा गुड तो एफ पॉइंट का क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा एक्स एक्सिस ओके एंड जी पॉइंट जी का कोई क्वाड्रेंट होगा Yes, point Z origin
ठीक है, पॉइंट जी का कोई क्वाड्रेंट नहीं होगा, क्योंकि जीरो इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी, इसके लिए, तो चारों क्वाड्रेंट्स के लिए रीजन सेम है. नो शालिन, इट्स नॉट हॉरिजोन, इट्स ओरिजन. ठीक है, ओरिजिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, इनकी स्केलिंग यहीं से करते हैं. किसी रेफरेंस पॉइंट है ये हमारा, तो इट्स ओरिजन. जी पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, ओरिजन. ओके, व्हाट्स द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा कितना होगा? इट्स कोऑर्डिनेट, देखो जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो होते हैं. जब x की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, y की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, मींस ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसको ओरिजिन बोला जाता है. ठीक है, ये मेरी x एक्सिस एंड y एक्सिस की इंटरसेक्शन है, सबसे पहली बात. दूसरी बात, जो x एक्सिस को पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स में डिवाइड करता है वह यही पॉइंट है. इसी पॉइंट के रेफरेंस से मैं इस साइड पॉजिटिव लिखती हूँ, इस साइड नेगेटिव लिखती हूँ. सो इसीलिए इसका नाम अलग से दिया गया है, इसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, दैट्स ओरिजिन. तो डी पॉइंट का एब्सिसा मेरे पास 5 आया, एंड ऑर्डिनेट कितना आया, एब्सिसा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के लिए यूज होता है, एक्स के लिए भी एंड एक्स डैश की वैल्यू के लिए भी उसको एब्सिसा ही बोला जाता है. सिमिलरली ऑर्डिनेट वाई एंड वाई डैश दोनों के लिए यूज होता है. एब्सिसा का मतलब होता है वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू है उस पॉइंट की, दैट्स एब्सिसा. तो एक्स एक्सिस ये पूरी को बोला जाता है. एक्स एक्सिस है क्या मेरे पास, एक्स एक्सिस इज एक्स एक्स डैश, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास है, इट्स एक्स एक्सिस. ओरिजिन से एक्स की तरफ उसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलती हूँ, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड दैट्स ओरिजिन टू एक्स डैश, दैट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस. सिमिलरली वाई टू वाई डैश, इट्स वाई एक्सिस, ओरिजिन का अपर पार्ट उसको कैटेगराइज किया जाता है एज अ पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ओरिजिन का लोअर पार्ट उसको कैटेगराइज किया जाता है एज अ नेगेटिव वाई एक्सिस. तो यहां तक समझ आया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट? नो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.